तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। स्वागत करते हैं आपका हमारे एक और न्यू वीडियो में। और आज हम लोग आए हैं देखिए चाइनीज पॉइंट एंड फास्ट फूड पे। और ये हमारे यहाँ का सबसे मतलब फेमस चाइनीज प्लेटर है। आप यहाँ पे आके कभी भी एंजॉय कर सकते हैं। इनके यहाँ बहुत सारी चाइनीज वैरायटी डिश आपको मिल जाएंगी। और खासियत तो इनके डिश का क्या बताऊँ मैं, तो पहले इनके यहाँ बर्गर हमेशा खाया करता हूँ और इनके बर्गर का जो टेस्ट होता है ना, वाकई उसको मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता कि इतना अच्छा बनाते हैं। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और जल्दी जल्दी लाइक करिएगा वीडियो को। और मिलते हैं, हम भैया से भी मिलवाते हैं, बात करते हैं और इनके डिश को खाके बताते हैं। सबसे पहले आप इस दुकान का लोकेशन देख लीजिए। दुकान का नाम चाइनीज पॉइंट एवं फास्ट फूड। और ये देखिए लोकेशन, ये आपका चौरस्ता और निमेज का मेन रोड है। निमेज नैनी जोर का यही मेन रोड है। और वहाँ पे आप देखिएगा वो चौक है। और जस्ट चौक से आप मतलब कम से कम 20 से 25 कदम आगे आइएगा तो इनका आपको दुकान दिख जाएगा। बहुत साइड में कॉर्नर में दुकान बना के रखा है, बहुत ही अच्छा सेटअप है। तो चलिए अंदर का आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों, दुकान का शुरुआत होता है यहाँ से। और आप देखिएगा यहाँ पे इनके ये तवे रखे हुए हैं। और देखिए साफ़ सफाई का कितना अच्छा से ध्यान, मतलब बहुत ही हाइजीनिक तरीके से बना रहे हैं। आप यहाँ पे देखिए इनका मेकिंग का सामान, ये सब प्याज वगैरह और ये लहसुन मिर्चा ये सब रखा हुआ है। और आगे देखिए इनके यहाँ पे बन वगैरह सब रखे हुए हैं, फ़ैन भी लगा है। और आप इनका सीटिंग अरेंजमेंट यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा सा यहाँ पे कॉर्नर में बना के रखा है बैठने के लिए। ये सब चेयर वगैरह, फ़ैन भी है। और यहाँ पे एक आपको ये फ्रिज दिख जाएगा पैनासोनिक का, इसमें वगैरह ये कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ये रखते हैं। और ये इनका सब पोस्टर्स आप देख लीजिए सब, ये बैठने का जगह है। तो आइए भैया से बात। भैया अपना नाम बताइएगा, आपका नाम क्या होगा? गोविंद चौरसिया। गोविंद चौरसिया। तो भैया ये आप स्टॉल कब से स्टार्ट किए यहाँ पे? स्टॉल हो गया 2011 से। अच्छा, 2011 से ही। और अभी आपके यहाँ क्या क्या मिलता है? चौमिन, बर्गर, मंचूरियन, एग रोल, चिकन रोल, चिकन चिल्ली। अभी तो सावन में मतलब चिकन आइटम बंद किए हैं। हाँ, क्योंकि यहाँ पे मैंने फ्रंट में देखा था, यहाँ पे आप एक भी रखते थे तो वो अभी नहीं दिखा, तो मुझे लगा कि सावन के बंद रहा। हाँ हाँ। और ये अभी आप क्या बना रहे हैं? मंचूरियन बन रहा है। तो मंचूरियन का देखिए प्रिपरेशन हो रहा है। तो भैया आपके साथ और कौन, मतलब आपकी फैमिली का भी कोई इसमें हेल्प करता है? सब होता है। अच्छा, ये सर आपका नाम क्या होगा? अजय। और आप लोग भी हैं साथ में, है ना? अच्छा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मंचूरियन का ये प्रिपरेशन भैया कर रहे हैं और यहाँ पे ये बर्गर बन रहा है। तो भैया आज हम लोग को आप क्या खिलाना चाहेंगे अपनी ओर से? जो मतलब आप खिलाना चाहें, जो आपका फेमस है, मतलब कि वही डिश हमको खिलाइए। ठीक है, खिलाते हैं भैया। अभी सरप्राइज है, देखिए क्या खिलाते हैं। भैया आप ये क्या बना रहे हैं? भेज रोल। तो इसमें आपने क्या क्या डाला है? हाँ, ये सब बंदा गोभी, प्याज, टमाटर वगैरह। और ये ऊपर से आपने मायोनीज डाला। हाँ, टोमेटो केचप भी है और चिल्ली सॉस भी है। देखिए गाइस, अभी ये हम लोग का वेज रोल बन रहा है। देखिए अभी हम लोग का क्या क्या आ गया है। देखिए ये वेज मंचूरियन है, ये वेज चाउमीन है देखिए, और ये वेज रोल है। और यहाँ पे आप हमारा बर्गर देख सकते हैं, इसमें कितने अच्छे से मायोनीज वगैरह डाल के इसका फिलअप किया है, बहुत सुंदर। अब आपसे खा के बताते हैं कैसा है। गाइस आप लोग देख सकते हैं अभी यहाँ पे दुकान पे भीड़ कितना हुआ है। और देखिए पीछे में भी सब कस्टमर बैठे हुए हैं, यहाँ पे आगे में भी। आप लोग बाबू हमेशा यहाँ पे खाते रहते हो इनके यहाँ, कैसा लगता है? आप क्या क्या पसंद करते हो यहाँ पे खाना, आप लोग कभी आते हो तो? बर्गर, बर्गर चाउमीन। हाँ, तो इनका बर्गर वाकई बहुत अच्छा लगता है। तो गाइस पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग मंचूरियन से, और मंचूरियन खा के बताते हैं कैसा बना है। सर भाई, हाँ, पहले इसका मैं ग्रेवी देखता हूँ। और मतलब जेन्युइन सा टेस्ट है, बहुत अच्छा, सॉसेस का बहुत ही सुंदर कॉम्बिनेशन लग रहा है। तो अब गाइस हम लोग चाउमीन खाकर बताते हैं कि चाउमीन कैसा बना है। तो आप देखिए ऊपर में बहुत ही सुंदर ये सब लगा के डेकोरेट कर रखा है। इसमें प्याज है, ये बीट है, गाजर है, ये बंदा गोभी है। अच्छा लग रहा है, मतलब भाई चाउमीन का एक यूनिक सा टेस्ट है, मतलब बहुत अच्छा। मैं बहुत सारे स्ट्रीट फूड में चाउमीन खाया हूँ,
पर यहाँ का चाउमीन में कुछ अलग सा स्वाद आ रहा है और बहुत ही हल्के सॉसेज हल्के मसाले यूज किए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग देखिए ये 10 का प्लेट है और ये इसका क्या प्राइस रखे वेज रोल का? वेज रोल 15 का है और बर्गर 20 का है ना, बर्गर 20 का है, मतलब बहुत ही सुंदर सा प्राइस रखा है। और ये मंचूरियन हाफ कितने का था? 25 का, मतलब 25 का मंचूरियन था। तो गाइज मैं आप लोगों से एक बात और कहना चाहूँगा कि यार आप लोग बड़े बड़े होटल और रेस्टोरेंट में जाते हो, वहाँ पे आप लोग खाते हो, यही नॉर्मल सा चाउमीन रहता है, यही नॉर्मल सा बर्गर रहता है और आप वहाँ पे 200 300 400 यही नॉर्मल से चीज़ का देते हो, और ये लोग इतनी महंगाई होते हुए भी इतने कम स्तर पर बेच रहे हैं, इतना रेट कम रखे हैं और बहुत ही सुंदर टेस्ट में भी बना रहे हैं, साफ सफाई के साथ बना रहे हैं। तो आप लोग कृपया करके इनके यहाँ भी आइए और टेस्ट करिए और इन लोगों को भी थोड़ा सा आप मशहूर करिए ताकि इन लोगों को लोग जाने और इनके यहाँ आकर खाएं। तो अब हम लोग थोड़ा सा वेज रोल खाकर बताते हैं कि वो कैसा बना। तो गाइस हमारा वेज रोल ये है और खा के बताते हैं। भाई बहुत सुंदर, मतलब लग ही नहीं रहा कि एग रोल नहीं खा रहे, मतलब ऐसा ही चल रहा है ना। तो गाइस हम लोगों ने वेज रोल को कर लिया टेस्ट और अब बर्गर का टेस्ट करके बताते हैं ये कैसा है। देखिए बर्गर हमारा आ गया है, गाइस देखिए मायनीज कितने अच्छे से ये मायनीज इसमें डाल के रखा है और कितना सुंदर लग रहा है। अब मैं खा के इसका टेस्ट बताता हूँ। भाई खाते ही सबसे पहले बटर का स्वाद आए और बटर भी बढ़िया क्वालिटी का यूज़ करते हैं, अमूल बटर यूज़ करते हैं और टिक्की भी बहुत सुंदर लग रहा है इसके अंदर में, आलू का टिक्की भी डाल रखा है उसका भी बहुत ही सुंदर टेस्ट आ रहा है। तो बर्गर तो मेरा इनके यहाँ का फेवरेट है। तो भाई अब हम लोग आप लोग से मिलते हैं पूरा अपना फिनिश करने के बाद और फिर बताते हैं आगे का सीन क्या रहता है। तो भैया आप हमारे सब्सक्राइबर लोग के लिए क्या कहना चाहेंगे? हमारे दुकान में आप लोग आइए, चाइनीज फ्रेंड फास्ट फूड में हाँ आप लोग का सेवा का मौका दिया जाए। हाँ हाँ आइए और आप यहाँ खा कर जाइए। तो आप लोग जरूर आइए भैया के यहाँ, आप तो भैया भी बुला दिए। तो गाइस कैसा लगा आपको हमारा वीडियो? जैसा भी लगा कमेंट सेक्शन में बताना ना भूले और चैनल पर नए हैं तो धक्का-धक सब्सक्राइब करिए यार। नीचे में देखिएगा रेड कलर का सब्सक्राइब लिख के आ रहा होगा, उसको टिप द लो और लाइक करना भी वीडियो को ना भूलें। और तब तक के लिए हम लोग चलते हैं, आप लोगों से नए वीडियो में मिलेंगे ऐसे ही एक नए ब्लॉग के साथ। और कमेंट में जरूर बताइएगा आप लोगों को क्या चीज़ अच्छा लगा, क्या चीज़ अच्छा लगा और आप लोग उसमें से क्या खाना पसंद करेंगे। और आप ये भैया के दुकान पर आइए, आप लोगों को लोकेशन बताई दिए हम लोग, भैया के दुकान पर आइए और जरूर से जरूर आके ट्राई करिए, खाइए और फिर हम लोग के पास बताइए कि आपको कैसा लगा, कमेंट में टेस्ट बताइएगा। अब तक के लिए चलते हैं, जय हिंद जय भारत हर हर महादेव। I am a devil of my work.